हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की. तो परचेज ऑर्डर को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे, कौन कौन से वाउचर्स बनाएंगे, क्या क्या फीचर हम एक्टिवेट करेंगे, आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. मैंने यहाँ कंपनी क्रिएट कर ली है एंड अब F11 आपको प्रेस करना है. कुछ बेसिक फीचर आपको एक्टिवेट करना है. तो बेसिक फीचर एक्टिवेट करेंगे. मैंने फीचर्स के लिए F11 प्रेस किया. अगर आपके पास सारे फीचर एक्टिवेट नहीं होते हैं तो आपको शो मोर ऑल फीचर्स को यस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमें आना है इन्वेंटरी फीचर्स के अंदर और मेंटेन इन्वेंटरी ऑप्शन यस करना है. प्लस हमें चाहिए यहाँ पे बैचेस, तो बैचेस ऑप्शन भी यस करोगे. अगर आपको एक्सपायरी डेट सेट करनी है बैचेस के साथ तो आप वो फीचर एक्टिवेट करके यहाँ पे चलेंगे. इसके अलावा अगर आपको डिस्काउंट शो करना है तो ये डिस्काउंट का कॉलम आपको दिखाया गया है, इस डिस्काउंट कॉलम को भी आपको एक्टिवेट करना होगा. ठीक है, इतना करके आप इसको डन करके रख सकते हैं. फीचर अगर डिस्काउंट अभी एक्टिवेट नहीं करना तो अभी हम इसको नो करके चलते हैं. हम साथ साथ अपने परचेज के पे GST भी कैलकुलेट करेंगे. तो GST के फीचर भी एक्टिवेट करके आपको GST नंबर यहाँ पे अपना जो है डालना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पर GST नंबर जो है यहाँ पे डाल दिया है. तो अभी तो मैं एक रैंडम GST नंबर जो है यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. सेट ऑल्टर रेट GST डिटेल्स, आप इसको यस करोगे तो यहाँ पे GST के रेट जो है फिक्स कर सकते हो. अगर आप हर पर्टिकुलर स्टॉक आइटम पे अलग अलग GST रेट आपको लगाना है तो एनेबल GST क्लासिफिकेशन ऑप्शन को यस करके चलना पड़ेगा. ईवे बिल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ईवे बिल को नो रखेंगे. अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यस करके चलेंगे. फिर आप कंट्रोल ए करके इस फीचर को सेव कर देंगे. फीचर सेव करने के बाद अगेन इस विंडो को भी कंट्रोल ए करके सेव करके एक्सेप्ट करके आप बाहर आएंगे. अब सबसे पहले हमें देखना है कि हमने जो स्टॉक आइटम्स यूज करने हैं वो भी बनाने हैं. तो ऑलरेडी मैंने बना के रखे हुए हैं, या अगर आप नया बनाना चाहते हो तो आप नया भी ऑल्ट सी करके डायरेक्टली वाउचर में क्रिएट कर सकते हैं. तो हम डायरेक्टली जाएंगे वाउचर में. जो पहला हमारा स्टेप होगा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में वो होगा हमारा परचेज ऑर्डर वाउचर को मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर की आपको नहीं याद है तो आप F10 का बटन प्रेस करेंगे. यहाँ पे आपको ऑल वाउचर्स ऑप्शन आएगा, शो मोर पे क्लिक करना है. और जितने भी वाउचर्स हैं वो आपके सारे क्लासिफाइड हैं ऑलरेडी. अकाउंटिंग वाउचर्स अलग हैं, इन्वेंटरी अलग है, ऑर्डर वाउचर अलग है, पेरोल वाउचर अलग है. तो हमें आना है यहाँ पर ऑर्डर वाउचर पे कि यहाँ सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में परचेज ऑर्डर वाउचर सबसे पहले हमें प्लेस करना होता है. तो हम परचेज ऑर्डर वाउचर को पहले एक्टिवेट करेंगे. यहाँ एक नोटिफिकेशन आएगा, यू नीड टू एक्टिव द परचेज ऑर्डर वाउचर एक्टिव नाउ. तो आप इसको वाई प्रेस करेंगे तो आपका जो वाउचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा. आफ्टर दिस अब आपको यहाँ जो वाउचर बनाना है इसमें बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है. पार्टी अकाउंट नेम किसको आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो मैंने यहाँ ऑल्ट सी करके एक पार्टी अकाउंट क्रिएट कर लिया, गगन इलेक्ट्रॉनिक्स. ये मैंने क्रिएट करा और यहाँ पे इसको रखा सन्ड्री क्रेडिटर में, जिसको जिससे आप सामान परचेज करने वाले हो. गगन इलेक्ट्रॉनिक्स को आप परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहे हो मेन को, और मैंने कर दिया इस लेजर को सेव. जैसे ही आपने लेजर सेव करा यहाँ पे कुछ ऑर्डर बेसिक ऑर्डर डिटेल्स आ रही है. अभी हम इसको नहीं फिल करेंगे, इसे थोड़ा बाहर आएंगे. इसको भी हम सेव करके डन करके गलत गगन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है GST नंबर आप यहाँ पे डालेंगे. तो मैंने यहाँ पे इनका GST नंबर. अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ऑर्डर नंबर डालना है. तो हमारे ना बेसिकली जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं डे वाइज तो एक दिन में मल्टीपल ऑर्डर आपके हो सकते हैं. तो ये जो ऑर्डर नंबर है डिफॉल्ट 1 ले रहा है, 1 2 3 4, इस तरीके से वो सिक्वेंशियल नंबर लेगा. अगर आप अपना कोई स्पेसिफिक नंबर यहाँ डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो. मैंने डाला ORD_PUR/001. ये हमारा एक ऑर्डर नंबर हो गया. अब यहाँ पे डालना है आपको परचेज लेजर. तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा परचेज का लेजर. तो मैंने यहाँ पे बनाया परचेज अकाउंट. अब आपको बताना है कि किस चीज का आप यहाँ ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक आइटम आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा. तो मैंने पहले बनाया है यहाँ पर ऑल्ट सी करके टीवी. ठीक है, कौन सा टीवी बनाना है तो आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पे. लाइक मैंने लिख दिया सोनी टीवी. ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 32 इंच. तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है. यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे GST डिटेल्स होती है.
अगर आप इसको जीएसटी एक्टिवेट करके रखना चाहते हो, जो चीज आप परचेज करो उस पर कितना जीएसटी यहाँ पे दिखाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो जीएसटी है, पर्टिकुलर कोड आपको यहाँ पे डालना होगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना होगा। सोनी टीवी मैंने यहाँ पे डाल दिया, अभी एक रैंडम मैं एचएसएन कोड यहाँ डाल रही हूँ, और यहाँ पे हम जीएसटी टैक्सेबल कर रहे हैं, और 18% जीएसटी मैं इस सामान के ऊपर जो है मेंशन करके चल रही हूँ। तो पहला स्टॉक आइटम हो गया सोनी टीवी 32 इंच वाला ड्यू ऑन, कितने दिन में आपको ये देना होगा, कितने दिन में आप तक ये सामान आएगा, तो वो वहां पे आप डाल सकते हो। मैंने 30 डेज यहाँ पे डाल के चल रही हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद आपको बैच नंबर बताना है, तो हमें यहाँ पे एक न्यू बैच नंबर मैं मेंटेन कर रही हूँ, मैंने लिया BTCH सोनी, इस तरीके से मैंने -001 इस तरीके से बना दिया। नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे आपको लेके चलनी है, तो मैंने 100 पीसेस यहाँ पे डाल दिए हैं, और यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो मैंने रेट ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक आइटम डालना है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंटेन कर दिया है, ठीक है। तो ये पहला मेरा ऑर्डर है जो कि हमारा गगन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ है, और ये हमने यहाँ पे मेंटेन कर लिया। अब आप इसको यहाँ से कर देंगे डन। इसी तरीके से अगर एक और ऑर्डर हमें प्लेस करना हो, तो दूसरा ऑर्डर भी मैं गगन इलेक्ट्रॉनिक्स को भी प्लेस कर रही हूँ, और मुझे यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालना पड़ेगा, तो मैंने डाला ORD_PUR001, सॉरी ये 002 होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे 1 मेंशन किया हुआ है, पर तो ये हमारा है दूसरा परचेज ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा बैक आना है, अब मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि हमने जो भी ऑर्डर्स बनाए हैं, कितने ऑर्डर्स हमारे पेंडिंग है, कितने ऑर्डर हमारे डिलीवर रिसीव हो चुके हैं, ऐसा कुछ अगर देखना हो आपको तो आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आपको इन्वेंटरी बुक्स के अंदर चीजें जो है देखने को मिल जाएंगी, परचेज ऑर्डर बुक्स भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे 2 ऑर्डर्स हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होगा, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आपको नजर आ जाएंगे, कितने परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, तो हमारा जो लेजर है गगन इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने उनको जो ऑर्डर दिए हैं वो अभी पेंडिंग चल रहे हैं, सोनी रेफ्रिजरेटर के 150 पीसेस, सोनी टीवी के 100 पीसेस का ऑर्डर अभी पेंडिंग चल रहा है, क्योंकि हमने ऑर्डर प्लेस किया है, अभी तक गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि गगन इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमें जो है गुड्स जो है डिलीवर कर दिए हैं, ठीक है। तो जो गुड्स डिलीवर किए हैं उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब हम बनाएंगे रिसिप्ट नोट वाउचर, तो वाउचर में जाके आपको प्रेस करना है F10, और यहाँ आपको शो करना है रिसिप्ट नोट वाउचर, आप इसको एंटर करेंगे Y प्रेस करके इसको एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर बोलते हैं, जब सामान आता है तो ये रिसिप्ट नोट होता है, एक तरीके का चालान होता है, चालान हम क्रिएट करते हैं, तो मैंने डाला CH_PUR001, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेंटेन करनी है, तो F2 मैंने प्रेस करा, 1 अप्रैल के ऑर्डर प्लेस थे और ये 2 अप्रैल को जो है मेरे पास जो है गुड्स रिसीव हो रहे हैं, तो वो मैंने डालना है। अब मैंने गगन इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम एंटर करा, गगन इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 ऑर्डर्स यहाँ पे चल रहे हैं, कौन से ऑर्डर का सामान आप रिसीव कर रहे हो वो आपको यहाँ से उठाना है, तो मैंने क्या किया ORD_PUR01 ऑर्डर प्लेस कर लिया। आप चाहो तो दोनों ऑर्डर अगर एक साथ रिसीव करो तो दोनों ऑर्डर का रिसिप्ट नोट आप एक साथ भी बना सकते हो, दोबारा इसी स्टॉक को ऑर्डर को उठाकर, मैं इंडिविजुअल बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे ऑर्डर्स जब रिसीव कर रहे हो तो मोड ऑफ पेमेंट, अदर कोई रेफरेंस है, डिलीवरी कैसे हुई है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच किससे हुआ है, डेस्टिनेशन क्या है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है यहाँ से डन। अब जो चीज का आपने ORD_01 में ऑर्डर प्लेस किया था वही आप देख सकते हो, तो जो पार्टी है गगन इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने उनसे 100 पीसेस जो है मंगाए थे, पर उन्होंने हमें 80 पीसेस ही यहाँ पे डिलीवर करे हैं, तो अगर 80 पीसेस ही डिलीवर करे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी तो हम 100 पीसेस ही रिसीव कर लेते हैं, ये 100 पीसेस हमने इसके रिसीव कर लिए हैं, इसको आप कर दोगे यहाँ से डन। इसी तरीके से हमारा दूसरा रिसिप्ट नोट भी था, तो वो भी मैंने क्या किया, 2nd of April को ही वो गुड्स भी हमें रिसीव हो गए हैं CH_PUR/001
का गुड्स भी हमें रिसीव हो रहा है गगन इलेक्ट्रॉनिक्स के पास से इस पर्टिकुलर चालान नंबर पे, ऑर्डर नंबर पे, और ये सामान का ऑर्डर हमने प्लेस किया था, तो ये आपको यहाँ से उठाना है। तो ये था हमारा सेकंड रिसिप्ट नोट। ये हमने दोनों जो है गुड्स रिसीव कर लिए हैं। अब आप डिस्प्ले में जाकर वापस से चेक करेंगे इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, और यहाँ से उठाएंगे हम लेजर, यहाँ लेंगे गगन इलेक्ट्रॉनिक्स। एक भी ऑर्डर अभी पेंडिंग नहीं है जो हमने अभी पीछे प्लेस किए थे, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो अपना स्टॉक समरी जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑल्ट एफ वन प्रेस करना और चेक करना कि हमारे पास कितना स्टॉक जो है रिसीव हो चुका है। तो सोनी रेफ्रिजरेटर के 150 पीसेस, सोनी टीवी के 100 पीसेस रिसीव हो चुके हैं। तो ये समरी में हमें दिखा देगा स्टॉक समरी में। अब नेक्स्ट स्टेप में जो गुड्स रिसीव कर लिए हैं आपने, अब यहाँ पे बताया गया है कि गुड्स जो है रिजेक्ट किए हैं हमने। तो यहाँ कुछ गुड्स रिजेक्ट हुए हैं जो रिसीव किए हैं। रीजन कुछ हो सकता है आपका रिजेक्ट करने का, जो गुड्स मंगाए थे उतनी नीड नहीं है, डिफेक्टिव निकल गए, कुछ हो गया, तो वो आपको रिटर्न करने होते हैं। तो हमने परचेज किया था और गुड्स रिसीव किए थे, तो अब हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे बनाएंगे रिजेक्शन आउट का वाउचर। तो मैंने यहाँ पे रिजेक्शन आउट वाउचर एक्टिवेट करा, यस करा, और यहाँ पे हमें लेके चलना है पार्टी अकाउंट में गगन इलेक्ट्रॉनिक्स। उसकी डिटेल सप्लायर नेम में भी ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्या रिटर्न कर रहे हो। तो सोनी टीवी के जो इस पर्टिकुलर चालान पे 100 पीसेस हमने रिसीव किए थे, जिसके 5 पीसेस हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ये 5 पीसेस हमने इस तरीके से रिटर्न कर दिए। इसके अगर इसी रिसिप्ट रिजेक्शन आउट वाउचर में जो दूसरा ऑर्डर आपने रिसीव किया था रेफ्रिजरेटर का, वो भी अगर रिजेक्शन में दिखाना चाहते हो, तो सेम रिजेक्शन आउट में दोनों स्टॉक को आप मेंटेन करके दिखा सकते हो। तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ से उठाना है सोनी रेफ्रिजरेटर जिसके 150 पीसेस आपने रिसीव किए थे, जिसमें से इस पर्टिकुलर चालान पे आपने 150 किए थे, तो मैंने यहाँ से 10 पीसेस जो है रिटर्न कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों स्टॉक को यहाँ पे रिजेक्शन आउट में मेंटेन कर लिया है। अब इतना करने के बाद हम वापस जाएंगे, अपना स्टॉक समरी चेक करेंगे। स्टॉक समरी चेक करने के बाद ऑल्ट एफ वन प्रेस करना, आप देख सकते हो हमारा स्टॉक अपडेट हो गया है। सोनी रेफ्रिजरेटर के 150 पीसेस हमने रिसीव किए थे, जिसमें से 10 हमने अभी रिटर्न करें, एंड सोनी टीवी के हमने 100 पीसेस रिसीव किए थे, परचेज रिसीव किया था हमने, और उसमें से 5 पीसेस जो है हमने अभी रिटर्न कर दिए, ठीक है। अब गुड्स रिटर्न परचेज वाउचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, बेसिकली अभी पीछे हमने रिटर्न किए थे गुड्स, अब हमारे पास बिल रिसीव हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, और F9 से हमारा ओपन होता है परचेज वाउचर। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपको मेंटेन करके चलना है, PUR001 हमारा पहला बिल जो है रिसीव हो रहा है। तो हमने 1 अप्रैल को ऑर्डर दिया था, 2 अप्रैल को हमारे पास गुड्स रिसीव हुए थे, ठीक है। मई मंथ में हमने रिटर्न भी किया, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है अब परचेज इनवॉइस जो आ रहा है, हम उसकी ट्रांजैक्शन को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 2 मई का हम यहाँ पे दिखा रहे हैं परचेज इनवॉइस। तो गगन इलेक्ट्रॉनिक्स को आप पिक करोगे, PUR001 चलान के अगेंस्ट हम यहाँ पे गुड्स को रिसीव जो हमने किया था उसका हम बिल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट लेना है यहाँ पर 95 पीसेस, क्योंकि हमने पीछे 100 पीसेस का ऑर्डर दिया था, 5 पीसेस हमने रिटर्न किए थे 100 रिसीव करने के बाद। तो टोटल जो बिल बनेगा वो 95 पीसेस का जो है यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे डन कर दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई डिटेल आपको यहाँ शो करनी है, जैसे टैक्सेस हो गए, या अगर हमारा कोई भी पर्टिकुलर हो गया एक्सपेंस, अदर कोई अदर एक्सपेंसेस हमारे हैं, लाइक पैकेजिंग एक्सपेंसेस भी हमें जोड़े गए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो 0.5% पैकेजिंग चार्जेस लग गए हैं, या 1% हमारा पैकेजिंग चार्जेस लग गया, तो वो यहाँ पे आप शो कर सकते हो। अगर जीएसटी शो करना है तो आप जीएसटी भी डाल सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है क्रिएट कर दिया, लगा दिया। तो आफ्टर अदर एक्सपेंसेस हमारा जो टोटल बिल बन रहा है यहाँ पे 24,00,000
87,100 रुपए का बनता है। और अगर मैं बिफोर अदर एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो 20,90,000 का जो है इनवॉइस यहाँ पे रेडी हुआ है। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस में जो रेफरेंस नंबर आ रहा है वो यहाँ पे डाला है। कितने दिन में पेमेंट कर देंगे? तो 30 डेज का हम ड्यू यहाँ पे लेके चलते हैं। 2 मई का ये इनवॉइस रेडी हो रहा है, तो 1 जून तक आपको इसकी पेमेंट जो है करनी पड़ेगी। तो ये हमारा पहला परचेज इनवॉइस हमने रेडी कर लिया है। अब हमारा एक और चलान था जिसके अगेंस्ट भी हमारे पास परचेज इनवॉइस आया है, तो उसके लिए हम डालेंगे PUR002। अब ये भी हमारी सेम डे पे मान लीजिए रिसीव हो रहा है, तो ये चलान नंबर आपको यहाँ से उठाना है। वो चलान नंबर बाय मिस्टेक 00 ही रह गया, वो 002 है। इस पे हमने जो गुड्स रिसीव किए थे वो था सोनी रेफ्रिजरेटर, तो ये आपका यहाँ पे आ गया है। 140 पीसेस क्यों है? क्योंकि जब हमने ऑर्डर दिया था 150 पीसेस का दिया था, गुड्स रिसीव किए थे तो हमने 150 ही रिसीव किए थे, बट हमने गुड्स रिटर्न किए हैं 10 पीसेस ड्यू टू सम रीजंस। तो यहाँ पे टोटल जो बिल बन के आ रहा है हमारे पास वो 140 रुपीज का बिल बन के आ रहा है। तो इसके अलावा इसमें और कुछ एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, तो मैं GST यहाँ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं SGST भी ऐड कर दिया, CGST ऐड कर दिया, Alt F1 करके आप चेक कर लो कि कितना GST यहाँ लग रहा है। तो मैंने लगाया था GST स्टॉक बनाते वक्त 28%, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो को बैक करके चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है इसका वाउचर डन। ये दूसरा हमारा परचेज इनवॉइस है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अगर मान लीजिए गुड्स रिसीव करने के बाद, बिल रिसीव करने के बाद भी अगर आप अपने गुड्स को रिटर्न करते हो, तो उस केस में हमारा डेबिट नोट वाउचर जो है बनता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे F10 प्रेस करा और F10 में हमने ओपन किया डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर में आपने उठाया गगन इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे आपको डन करना है इसको। और परचेज आपने किया था पहला जो हमारा सामान जो हमने ऑर्डर रिसीव किए थे, एक सोनी 32 इंच का था और एक सोनी रेफ्रिजरेटर का था। तो मेरा जो सोनी रेफ्रिजरेटर के 140 पीस मैंने रिसीव किए थे, उसका बिल अभी मेरे पास आया है। उसके मैंने टोटल 140 पीस रिसीव किए थे। अभी तो मैं यहाँ से ये ऑर्डर नहीं उठा रही हूँ, मैं डायरेक्टली 140 पीसेस का दिखाऊंगी। और मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैच के 140 पीस और रिसीव किए थे। तो अभी डेबिट नोट मैं बना रही हूँ 5 पीसेस का, तो 5 पीस का डेबिट नोट यहाँ पे जो है शो कर रही हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से हम डेबिट नोट यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यानी कि जो मैंने गुड्स 140 पीसेस का बिल अभी रिसीव किया है, जिसमें से 5 पीस ऐसे हैं जो डैमेज हैं, जो कि मैं रिटर्न कर रही हूँ अपने पार्टी को, तो वो यहाँ पर मुझे यहाँ शो करके चलने हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई एक्सपेंस भी आपने इसमें ऐड किया था तो वो भी ऐड करना है, जैसे हमने ऐड किया था CGST और SGST, तो वो भी यहाँ पे ऐड करके चलना है। क्योंकि जब बिल आया था तो भी GST के साथ शो किया गया था, पार्टी हमें ये कहेगी कि भाई आपको टोटल इतना बिल पे करना है विद GST। तो अगर हम डेबिट नोट कर रहे हैं वो भी विद GST ही यहाँ पे मेंटेन करके चलना है आपको। तो ये मैंने कर दिया डन। 101,25,000 के गुड्स प्लस 17,500 का टोटल बिल यहाँ पे जो है डेबिट नोट बन रहा है 101,60,000 का। तो ये मैंने कर दिया है डन। अब अगर आप जाके चेक करना चाहते हो, मैं अपना स्टॉक समरी चेक करके आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो सोनी रेफ्रिजरेटर के लास्ट हमने 140 पीस का रिपोर्ट डिस्प्ले किया था, वहां 135 पीसेस आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 5 पीसेस जो है हमने अभी अभी डैमेज गुड्स कंसिडर करते हुए रिटर्न कर दिए हैं, डेबिट नोट बना दिया है। अब बारी आती है पेमेंट करने की, तो पेमेंट के लिए हम वाउचर पे जाएंगे और F5 यहाँ पे प्रेस करेंगे। वी हैव टू मेक टू पेमेंट्स, एक गगन इलेक्ट्रॉनिक के साथ। फर्स्ट जो हमारी पेमेंट थी वो सोनी TV 32 इंच वाला था, सेकंड जो पेमेंट है हमारी वो रेफ्रिजरेटर की थी। तो गगन इलेक्ट्रॉनिक्स को पहले किसकी पेमेंट आपको करनी है वो देखना है। तो मैं यहाँ पे जो टोटल पे करने वाली हूँ यहाँ पे अभी, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 10 लाख रुपीज पे करने हैं, 10 लाख रुपीज पे करने हैं। अगेंस्ट रेफरेंस जैसे मैंने पिक किया, वी हैव टू इनवॉइसेस PUR01 एंड PUR02। तो मैं पहले पेमेंट कर रही हूँ PUR01 जो कि सोनी 32 इंच वाला था, तो मैंने उसका पेमेंट कर दिया है। कैश से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अभी मेरा
बैलेंस रेड आ रहा है क्योंकि कैश बैलेंस अभी नहीं है, नेगेटिव शो कर रहा है वो, इसलिए वो ऐसा शो कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन मैंने डन कर दी है, ये मैंने कर दिया 10 लाख की पेमेंट। अगर 10 लाख की पेमेंट आपने कर दी है तो आप अपना जाके रिपोर्ट चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको आउटस्टैंडिंग दिखा देती हूँ, मेरे आउटस्टैंडिंग गगन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कितनी पेमेंट आउटस्टैंडिंग चल रही है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये PUR01 जो हमारा पहला इनवॉइस है, तो उसकी पेमेंट भी आपको दिखा देगा, जो दूसरा इनवॉइस है उसकी पेमेंट भी आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बैक आते हैं, और भी बाकी पेमेंट्स अगर आपको करनी है तो वो पेमेंट भी आपको डायरेक्ट पेमेंट F5 प्रेस करना है, गगन इलेक्ट्रॉनिक्स को हम पे कर रहे हैं। बाकी की पेमेंट जो है, मैं कंप्लीट पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो कंप्लीट पेमेंट भी एक साथ आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 58,07,100 टोटल पेमेंट मैं कर रही हूँ। तो दोनों इनवॉइस आपको उठाने हैं, तो वन बाय वन करके मैंने दोनों इनवॉइस उठा लिए। अब जो मैं पेमेंट कर रही हूँ उस पर मुझे मिल रहा है डिस्काउंट, तो का हमारा टोटल जो है बिल है यहाँ पर जो हमें पे करना है, तो इसका मुझे 5% डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैंने एंटर करा तो 2,90,355 रुपए का डिस्काउंट है। तो 5,58,07,100 -2,90,335, तो हमें पेमेंट करनी है 55 लाख्स की। तो मैंने यहाँ डाला, तो पहले तो आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है जितने की आपको पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे दोनों इनवॉइस आपको उठाने हैं वन बाय वन करके। अब यहाँ पे आपको कैश कितना पे करना है वो आप यहाँ पे डाल दो। तो मैं पे कर रही हूँ कैश या बैंक, 55,16,745 मैं पे कर रही हूँ, और बाकी का मुझे डिस्काउंट मिला है, तो मैं यहाँ पे शो करूंगी डिस्काउंट रिसीव, जो कि मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। आप इसको इनडायरेक्ट इनकम में मेंशन करेंगे और इसको करेंगे यहाँ से डन। तो ये आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो चुका है आफ्टर डिस्काउंट। तो इस टाइप के डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट जो है बोलते हैं। तो ये मैंने कर दिया है इसको सेव, हमारी ट्रांजेक्शन हो गई है कंप्लीट। आप अपना डे बुक जाके चेक करो, F2 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करके हमारी ट्रांजेक्शन अप्रैल से स्टार्ट हुई है, ऑल्ट F2 करके अप्रैल से स्टार्ट हुई है, मई तक चली है, जून तक चली है, जुलाई तक चली है। आपकी सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, आप चेक कर सकते हो। दो ऑर्डर्स प्लेस हुए थे, फिर दो गुड्स रिसीव हुए थे, एक रिजेक्शन हुआ था, पेमेंट हुई थी हमारी, दो डेबिट नोट्स हैं, परचेज हैं हमारे, दो सारी ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ पे आ गई है। इसके अलावा स्टॉक समरी में जाकर अगर आप चेक करोगे तो आपको पूरी स्टॉक समरी जो है यहाँ पर नजर आएगी। एंड अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री चेक करोगे, मूवमेंट एनालिसिस चेक करोगे, ग्रुप वाइज भी अगर आप चेक करना चाहो तो वो भी आप चेक कर सकते हो, कितना सामान इनवर्ट। अभी तक ये सिर्फ इनवर्ट दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ सामान खरीदा है, बेचा नहीं है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिर्फ परचेज ट्रांजेक्शन दिखा रही हूँ, सेल ट्रांजेक्शन हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में जो है ट्राई करेंगे। होप आपको ये चीजें समझ आई हो। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज रहती है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हैं, और अगर अपना कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी भी आप हमसे कमेंट करके जान सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।